ओ भाई लोग, मैं हूँ काशिफ और आप देख रहे हैं बोली किंग। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर NTR और सैफ अली खान की फिल्म देवरा मूवी। दोस्तों फाइनली भाई रिलीज़ हो चुकी है। आज हम इसका दोस्तों डे वन का कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। भाई डे वन का कलेक्शन दोस्तों कितना करने वाली है दोस्तों, उसका प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि इसकी ऑक्यूपेंसी के बारे में बात करेंगे। कई सारी बातें दोस्तों भाई देवरा मूवी के बारे में करने वाले हैं। जो उम्मीदें लगाई जा रही थी देवरा मूवी से, मुझे ऐसा लगता है कि भाई उस उम्मीद के हिसाब से भाई ये मूवी कलेक्शन नहीं कर रही दोस्तों। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने पहले वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों। दोस्तों आप सबको तो पता है कि देवरा मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी मेकर्स को और भाई हिंदी ऑडियंस को, लेकिन भाई तेलुगु में तो भाई ठीक ठाक हो रहा है भाई कलेक्शन, यानी कि भाई ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है, लेकिन भाई हिंदी वर्जन में दोस्तों मैं इसे ज़ीरो बोलूँगा, यानी कि भाई हिंदी ऑडियंस ने देवरा मूवी को नकार दिया है दोस्तों। तो कल चलिए दोस्तों अब इसकी एडवांस बुकिंग के बारे में बात करेंगे। दोस्तों मैंने रिपोर्ट निकाली है देवरा मूवी की, डे वन की जो एडवांस बुकिंग हुई है तकरीबन 39 करोड़ के आसपास की एडवांस बुकिंग हुई है। वहीं दोस्तों इसकी जो वर्ल्ड वाइड यानी कि इंडिया की 39 करोड़ के आसपास हुई है, वर्ल्ड वाइड जो एडवांस बुकिंग हुई है उसकी तकरीबन 75 करोड़ के आसपास दोस्तों इसकी एडवांस बुकिंग हुई है। यानी कि भाई 100 करोड़ तो भाई कलेक्शन होगा ही होगा। जब भाई 75 करोड़ एडवांस बुकिंग से हो गया तो तकरीबन 100 करोड़ के आसपास तो भाई ये कलेक्शन करेगी ही करेगी दोस्तों, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। मूवी का रिव्यू की बात करें दोस्तों, मिक्स रिव्यू निकल के सामने आ रहा है। कुछ लोग जो फैंस हैं NTR के और सैफ अली खान के दोस्तों, वो फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। जो लोग दोस्तों सच बोलना जानते हैं, जो लोग चाहते हैं कि भाई मैं बिल्कुल सच बोलूँगा, मूवी अच्छी हो तो अच्छी बोलूँगा, बुरी हो तो बुरी बोलूँगा, तो कैसे उन लोगों ने भाई वीडियो बनाई और अपना रिव्यू दिया दोस्तों। जो मुझे लगा दोस्तों, मैंने भी रिव्यू दिया दोस्तों, ये मूवी कहीं ना कहीं भाई फर्स्ट हाफ में तो भाई ठीक रहती है, लेकिन सेकंड हाफ में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग करती है आपको। यानी कि वन यूज़ मूवी, यानी कि आप एक बार देख सकते हैं इस मूवी को, दोबारा देखेंगे तो भाई आप बोर हो जाएंगे दोस्तों, इस तरह की भाई मूवी है। बल्कि दोस्तों इसका जो ऑक्यूपेंसी की बात करते हैं भाई, दोस्तों तेलुगु फिल्म है, तेलुगु की ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 2D की, जो कि भाई 80.11% है, जो कि भाई बहुत ही तगड़ी ऑक्यूपेंसी है। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी की बात करें दोस्तों 71.46%, यानी कि 71.46% दोस्तों उसकी ऑक्यूपेंसी निकल के सामने आ रही है, जो कि भाई इवनिंग और नाइट शो भी चल रहे हैं। कुछ देर बाद भाई इसके नाइट शो और इवनिंग की भी दोस्तों ऑक्यूपेंसी खुल जाएगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो हिंदी की बात करते हैं ऑक्यूपेंसी, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है दोस्तों। या एक मोर्निंग ऑक्यूपेंसी की बात करें दोस्तों भाई 9.63%, आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी की बात करें भाई 14.85%। मुझे ऐसा लगता है कि भाई हिंदी ऑडियंस में लोग भाई जा ही नहीं रहे भाई देवरा मूवी के। भाई दोस्तों हिंदी ऑडियंस में जो या फिर भाई सैफ अली खान के फैंस हैं वो जा रहे हैं भाई देवरा मूवी देखने के लिए, क्योंकि भाई इसके अंदर सैफ अली खान के वैसे जा रहे हैं, यानी कि भाई जूनियर इंडिया के कुछ फैंस होंगे जो कि हिंदी में देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देवरा मूवी इस तरह की बातें बताई जा रही हैं। तो भाई इस दो ऑक्यूपेंसी के साथ यानी कि दोपहर तक दोस्तों ये मूवी कितना कलेक्शन कर चुकी है, तो गाइस 45 करोड़ 37 लाख रुपए अब तक कलेक्शन कर चुकी है। मेरे हिसाब से तकरीबन दोस्तों ये दोस्तों डे वन का इंडिया का जो कलेक्शन करेगी दोस्तों तकरीबन 75 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन कर लेगी, इस तरह की बातें बताई जा रही हैं दोस्तों। यहाँ पर देखा जाए तो पहले जो उम्मीदें लगाई जा रही थी, तो गाइस इसका जो वर्ल्ड वाइड ग्रोसर जो कि भाई तकरीबन 125 करोड़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड ग्रोसर जा रहा है, क्योंकि भाई नई नई फिल्म रिलीज हुई है, जिन लोगों ने मूवी टिकट बुक कर ली है वो तो भाई मूवी देखेंगे उनका कलेक्शन भाई यहां पर जुड़ेगा, जो कि भाई मेरे हिसाब से ये मूवी डे वन का जो नेट कलेक्शन करेगी तमिल तेलुगु हिंदी मिलाकर तकरीबन 270 करोड़ के आसपास करेगी, 75 भी जा सकता है। और इंडियन ग्रोसर की बात करें जो कि भाई 85 से 90 करोड़ के बीच में दोस्तों कलेक्शन करेगी। अब जो उम्मीदें 100 करोड़ की लगाई जा रही थी, अब दोस्तों भाई 100 करोड़ थोड़ा दोस्तों मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी ओवरसीज़ कलेक्शन दोस्तों तकरीबन 35 से 40 करोड़ के बीच में करेगी, इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहेगा तकरीबन 120 करोड़ से लेकर 25 करोड़ के बीच में रहेगा। बाकी दोस्तों ये मेरा प्रेडिक्शन है कि भाई ये हिंदी वर्जन में तकरीबन दोस्तों ये 15 से 16 करोड़ कमाएगी, और दोस्तों तमिल तेलुगु कनाडा मलयालम मिला मिलकर तकरीबन दोस्तों ये 50 करोड़ से ज़्यादा बिजनेस करेगी। टोटल मिलाकर तकरीबन तो 65 करोड़ के आसपास दोस्तों कलेक्शन हो गया, यानी कि इंडियन ग्रोसर के हिसाब से तकरीबन 80 करोड़ के आसपास ये इंडियन ग्रोसर करेगी। बाकी आपको क्या लगता है ये मूवी कितना कलेक्शन करने वाली है देवरा मूवी, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नया चैनल सपोर्ट करें दोस्तों।